छह महीने बाद दिल्ली में फिर किसानों का प्रदर्शन सामने आने वाला है। जंतर मंतर पर आज किसान संसद का आयोजन। जी हां, दिल्ली सरकार ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत यहां पर दे दी है। कोरोना नियमों के साथ धरने प्रदर्शन की इजाजत यहां पर दी है और सिर्फ 200 किसान ही इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, ये संख्या यहां पर तय की गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपना प्रदर्शन कर सकेंगे और इसी के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से पुलिस स्कॉट में जाएंगे किसान। आज से 9 अगस्त तक प्रदर्शन करने की ये अनुमति यहां पर किसानों को मिली है। तो दिल्ली में पिछली बार जिस तरह से उपद्रव फैला था, वैसी तस्वीर सामने किसी भी कीमत पर ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड पर इस वक्त है। साथ ही साथ सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। हालांकि दिल्ली की तरफ कई किसानों की ट्रैक्टर से जत्था जो है वो कूच कर रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान अपना ये प्रदर्शन कर सकेंगे। सीधे और साफ शब्दों में मांग यही है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक कि पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक किसान आंदोलन, किसान प्रदर्शन उनका यूं ही टिके रहना जारी रहेगा। तो जंतर मंतर पर पुलिस ने सुरक्षा के बेहद सख्त कड़े इंतजाम किए हैं। बैरिकेटिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी कीमत पर हालात बेकाबू ना हो, बिगड़े ना। दंगा नियंत्रण वाहन, वाटर कैनन, टियर गैस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये हालात बिगड़े तो, क्योंकि इन सब के इंतजाम यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं। और सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो जंतर मंतर पर आज किसान संसद का आयोजन होने वाला है। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली सरकार ने किसानों को प्रदर्शन की इजाजत भी दी है। हालांकि कोरोना को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन यहां पर करना होगा, इसकी भी सख्त हिदायत यहां पर दी गई है। तो सिर्फ 200 किसान ही इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। देखिए, बातचीत इससे पहले भी कई बार किसान और साथ ही साथ सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा यहां पर साबित हुई है। सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है कि जब तक पूरी तरह से कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक उन्हें किसी भी कीमत पर बातचीत मंजूर नहीं। तो संसद के मानसून सत्र के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की सशर्त इजाजत मिल गई। ये पूरा विरोध प्रदर्शन पुलिस की निगरानी में किस तरह से होगा, देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के प्रदर्शन के पहले ही दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। बैरिकेडिंग से लेकर जवानों की तैनाती तक हर तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। प्रदर्शनकारी किसानों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान अब दिल्ली की सीमा पर घेराबंदी करने से आगे बढ़कर संसद के मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेंगे ताकि सरकार पर अपनी मांग के लिए दबाव बनाया जा सके। किसान एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं और आज वो फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच किया था, लेकिन उस वक्त जिस तरह की हिंसा हुई थी उसने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया था, पूरे सिस्टम को परेशान कर दिया था। हालांकि इस बार किसानों ने अपने कार्यक्रम को बहुत लिमिटेड किया है। कहा यह गया है कि हर रोज़ 200 किसान जंतर मंतर पहुँचेंगे और यहाँ पर किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली कूच किया था। उस दौरान जिस कदर हिंसक गतिविधियां हुई और हंगामा मचा, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस किसानों को जंतर मंतर पर किसान संसद करने की इजाजत नहीं दे रही थी। 26 जनवरी में क्या हो गया था? 26 जनवरी में उसको बहुत जिक्र करते हैं। 200 लोग जाएंगे, शांति से जाएंगे, बैठेंगे, सबकी आइडेंटिटी है। ऐसा क्या हम कोई लड़ाई भिड़ाई करते फिरते हैं? हम बड़ी बात रखेंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ जंतर मंतर पे बैठेंगे। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी, लेकिन इसके एवज में किसानों को दिल्ली सरकार की शर्त भी माननी पड़ी। हमने पार्लियामेंट मार्च का जो दिया था उसको थोड़ा लिमिटेड रूप में हम कर रहे हैं। कारण ये है कि हम उसको वेल डिसिप्लिन करना चाहते हैं। हमने फिक्स नंबर्स को फिक्स किया है, टाइम को फिक्स किया है, और हमने करना क्या है उसमें, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसकी इंस्ट्रक्शन भी हमने लोगों को दी। दोनों पक्षों के बीच हुई सहमति के मुताबिक जंतर मंतर के प्रदर्शन में सिर्फ 200 किसान ही शामिल हो सकेंगे। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
किसानों को अपना और अपने संगठन का आईडी कार्ड रखना होगा। प्रदर्शन में सिर्फ वही किसान शामिल होंगे जिनका नाम पहले से बनी सूची में होगा। जो भी किसान साथी यहां पर पहुंचेंगे उनके पास अपना आईडी कार्ड होगा, संगठन का आईडी कार्ड होगा और उसके बाद ही उनको यहां पर एंट्री मिल पाएगी। ये भी किसानों को हिदायत दी गई है गाइडलाइन में कि सिर्फ वही किसान यहां तक पहुंचे जिनका नाम उस दिन की सूची में लिखा गया हो। हर दिन एक अलग अलग सूची होगी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। यहाँ से बारी बारी से किसान हर रोज़ यहाँ पहुँचेंगे। एक दिन में 200 किसान पहुँचेंगे, 5 बसों में इनको बैठाकर लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, इसलिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि आखिरी वक्त में 26 जनवरी जैसे हालात न बने। एक दिन में 200 किसान पहुँचेंगे, 5 बसों में इनको बैठाकर लाया जाएगा। कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन डर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को, पुलिस को इसी बात का है कि जिस तरह की हिंसा 26 जनवरी को किसानों की तरफ से देखने को मिली थी, कहीं वो तस्वीर दोबारा रिपीट ना हो जाए। ब्रिटिश सुमित कुमार के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं, जंतर मंतर से हमारे साथ मोहित राज दुबे मौजूद हैं। सबसे पहले गाजीपुर की तरफ आएंगे। मोहित, किस तरह से वहां पर पूरी तैयारी अब किसानों के जत्थे के जरिए की जा रही है, क्योंकि आज किसान प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी तस्वीर बनने वाली है, लेकिन संख्या जो है वो सिर्फ यहां पर 200 तय की गई है, लेकिन आपके पीछे मैं देख सकती हूं भारी भीड़। मैं चाहूंगी बातचीत के जरिए आज की पूरी रणनीति यहां से आप जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, भारी भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि संगठन के लोगों को छोड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 200 लोग जो हैं वो जाएंगे। मैम, आप लोग जा रहे हैं क्या आज के प्रदर्शन में? जी मैं जा रही हूँ। माई सेल्फ सोनिया मान, आई एम एन एक्ट्रेस। सो मैं पिछले 7 मंथ से आई एम ऑन द टिकरी बॉर्डर एंड प्रोटेस्टिंग फॉर द फार्मर प्रोटेस्ट। सो आई एम गोइंग फ्रॉम KKU, कीर्ति किसान यूनियन। सो ये अंदर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, और योगेन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेन जी भी, अच्छा योगेन जी अभी थोड़ी देर में हम हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक हम आपको दिखाते हैं। सर, आप किस तरीके, जय जवान आंदोलन से हमारे साथ हैं सर, किस तरीके से अब आगे का रहेगा, क्योंकि 200 लोगों को ही जाना है? 200 लोग रोज जाएंगे, एक दिन की तो मामला है नहीं, और आगे पीछे करके। पैरेलल संसद का क्या मकसद है, क्या मैसेज देना है? जो मैसेज हम सरकार को पिछले 11 मीटिंगों में नहीं दे पाए हैं, अब कोशिश हम कर रहे हैं, सरकार नहीं संसद को समझा दे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास सारे पेपर तैयार है किसानों को, कोरोना नियमों के पालन का भी है, वो कैसे करेंगे? वो बिल्कुल पालन हो जाएगा, पुलिस के साथ कोऑपरेशन करके। योगेन जी इस वक्त हमारे साथ है। योगेन जी, एक सिर्फ लाइव पे सवाल है आपसे, किस तरीके से 200 लोगों को आप लेके जा रहे हैं और किस तरीके से आगे जो पूरा संगठन है उसको चलाएंगे किसानों का? 200 लोग बसों पे जाएंगे, बसें पहले से डेजिग्नेटेड हैं, उसका रूट पहले से तय है। संसद के नजदीक हम जाके उतरेंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे, जहां रोका जाएगा वहीं रुक जाएंगे, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे और वहीं अपनी किसान संसद शुरू कर देंगे। शांतिपूर्ण तरीके को लेकर भी सवाल है, क्योंकि 26 तारीख को भी यही। इस आंदोलन ने अपनी तरफ से कभी भी शांति भंग नहीं की है, क्योंकि हम जानते हैं शांति हमारी एकमात्र ताकत है। अगर शांति टूटेगी आंदोलन कमजोर होगा, इसलिए हम तो शांति में विश्वास करते हैं। पिछली बार सरकार की मिलीभगत से जो शरारती तत्वों को अंदर घुसने की मौका दिया गया था, उसको खत्म करने के लिए हमने इस बार ये आई कार्ड बनाया है सब लोगों को। कोरोना नियम बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना नियम का पालन का हमने पूरी कोशिश की है, जैसा मैंने आपको बताया पूरे दिल्ली में महामारी फैली, दिल्ली के कोने पे हम बैठे हैं यहाँ नहीं फैली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सावधानियां बरत रहे थे, वो सावधानियां अभी भी बरतेंगे और ये इंटरव्यू हो जाए उसके बाद में। हासिल क्या होगा इस पैरेलल संसद से? लोकतंत्र में संसद को अपनी बात सुनाने का क्या तरीका है? अगर संसद हमारी बात पे चर्चा नहीं करती तो सामने जाके ये कहना कि हम उस बात को करना चाहते हैं, सरकार कहती है हमें पता नहीं किसानों को इन कानूनों से दिक्कत क्या है,
भाई आज आ जाओ, हम सुना देंगे कि दिक्कत क्या है। दिक्कत बताने के लिए जा रहे हैं और ये देखिए तमाम जो किसान हैं जिनको आइडेंटिटी कार्ड इशू किया गया है वो यहाँ से निकले हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बसें खड़ी हैं और इन बसों में सवार होकर तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर मोहित बख्शी हमारे सहयोगी के जरिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर पुलिस ने किए हैं। बैरिकेटिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। दंगा नियंत्रण वाहन, वाटर कैनन, टियर गैस व्हीकल भी तैनात की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, आप जंतर मंतर में ही मौजूद हैं, क्या तस्वीर यहां से बनती हुई नजर आ रही है? कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि एक बार फिर से 26 जनवरी की वो जो पूरी माहौल सामने आया था, वो जो पूरा दंगा पूरा उपद्रव सामने आया था वो दोबारा ना आए? सुरक्षा व्यवस्था किस लिहाज से कड़ी? देखिए 26 जनवरी के दिन जो अपनी घटना हुई थी, लिहाजा वैसी घटना दोबारा ना हो जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बाकायदा जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दी गई है, कोई परिंदा यहाँ पर ना मार पाए। और आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ संसद भवन ही नहीं चलेगा बल्कि संसद जंतर मंतर भी लगेगा। यहाँ पे बकायदा एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, ब्रेक होगा और जिस तरीके से संसद मानसून सत्र जो है उस संसद भवन के भीतर चल रहा है चलेगा, उसी तरीके से जंतर मंतर पर भी जो है किसान अपना संसद लगाएंगे। मेरे साथ लोकसभा सांसद आपको बता दें कि गुरजीत औजला साहब कांग्रेस से सांसद लगातार संसद के भीतर ये मामला उठाते रहे, खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। औजला साहब, पहला सवाल, 227 दिनों से अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि बातचीत कर लीजिए, बातचीत से समाधान निकाल लीजिए, तो आखिर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं? सरकार डोंग करती है, सरकार कुछ ज़्यादा संजीदा हो तो कोई दूर थोड़ा ना बातचीत करने के लिए। मोदी जी कह देते हैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, फ़ोन करना कहाँ है? वो फ़ोन कॉल कहते हैं तो इनके जो दूसरे हैं, मतलब जो इनके प्रवक्ता हैं, वो इतनी मतलब गलत भाषा यूज़ करते हैं किसानों के लिए, कौन इनसे बात करेगा? बात करने के लिए माहौल बनाना होता है। संसद के भीतर भी इस पूरे मामले को आप उठाएंगे? उठ रहे हैं, हम जनमन मोशन, तो चलिए मुद्दे उठाए जाएंगे, किसान संसद यहां पर लगाई जाएगी, पूरी तैयारी रणनीतिक तौर पर हो चुकी है। आप दोनों हमारे साथ आगे भी लगातार बने रहिएगा, आपसे अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।